तो कैसे हो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक फूड ब्लॉगर बन सकते हो। तो फूड ब्लॉगर बनने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है और कैसे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ये पूरी जानकारी मिलने वाली हो। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप भी डरते हो पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाने से, तो आप कैसे पब्लिक प्लेस में बेझिझक वीडियो बना सकते हो, वो भी जुनून के साथ, वो भी मतलब कोई भी बंदा आपको देखे तो आप बोलोगे यार हटा इसको धक्का दे यार मैं तो वीडियो बनाऊँगा, वो कैसे बना सकते हो, वो भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक तो मैं आपको बाद बताऊँगा, पहले ये बता देता कि फूड ब्लॉगर कैसे बना जा सकता है और फूड ब्लॉगर के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फूड ब्लॉगर बनने के लिए आपको, या ब्लॉगर के कोई भी वीडियोस बनाते हो अगर आप यूट्यूब पे, तो जाहिर सी बात आपको एक मोबाइल चाहिए। कैमरा ना हो तब भी आपका काम मोबाइल से चल जाएगा, एक स्मार्टफोन से। और दूसरा सबसे ज़रूरी वो है माइक। अगर आपके पास माइक नहीं है तो परचेज़ कर लो यार, मार्केट में आपको माइक मिल जाएगी। क्योंकि माइक के बिना अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको भी पता है बहुत नॉइज़ आएगी बाहर से, इतनी ज़्यादा आएगी कि आपकी कोई भी वीडियोस देखने के लिए तो आएगा, लेकिन वॉइस जो बाहर से आ रही होगी उसके सामने आपकी आवाज़ दब जाएगी और लोग आपकी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। तो एक माइक ज़रूर रखना। और कितने लोग सोचते हैं मेरे भाई इस भरम में रहते हैं कि बिना ट्राइपॉड के तो यार माइक, मतलब बिना ट्राइपॉड के वीडियोस नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे भाई इस भरम में नहीं रहना, बिना ट्राइपॉड के भी आप वीडियोस बना सकते हो। अपने हाथों को ट्राइपॉड बनाओ, अपने हाथों से मोबाइल को कैरी करो और वीडियोस बनाओ। अब फूड व्लॉगिंग के लिए क्या किया जाता है मैं ये बताता हूँ। जो भी आपके आसपास बहुत अच्छा फूड बनाता हो, बहुत अच्छी डिश बनाता हो, जिसके पास भीड़ लगता हो, जो बहुत पॉपुलर हो, बहुत पुराना हो, उसके पास जाओ, उनसे बात करो कि भाई मैं फूड व्लॉगिंग करता हूँ, मैं आपकी व्लॉग बनाना चाहता हूँ आपके शॉप की। तो वो उनसे आप परमिशन लो, वो बनाए देंगे। जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि वो ऑनलाइन आए और उसका काम ज़्यादा चले, तो वो मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। या तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो कि किस किस बंदे ने कैसी कैसी फूड व्लॉगिंग बनाई है, किस लोकेशन में वो बंदा है, आप वहाँ जाओ उनकी वीडियोज़ बनाओ। अब वीडियोज़ बनाने के लिए यार देखो, वीडियोज़ बनाओ तो ये नहीं चुपचाप आप उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, नहीं मेरे भाई, पूरा माइंड सेट करके जाना क्या क्या करना है आपको वहाँ जाके। वो स्टार्टिंग से जब वो बंदा डिश बनाना स्टार्ट करता है, वहाँ से लेकर वो सर्व करता है जब तक लोगों को देता है, वो पूरा क्लियर मतलब उस वीडियो में दिखलाना है। और बिल्कुल शांति से आपको रिकॉर्ड नहीं करना, भाई ये बंदा दे रहा है, इसने ये डाला, ये भाई बीच बीच में उससे उस डिश की जो भी मेन्यू है, जो भी उसने उसमें डाला है रेसिपी, जो भी है उस वीडियोस में, मतलब उस डिश की जो भी रेसिपी है ना, वो पूरा का पूरा जानकारी उससे लेना है, ठीक है। फिर वो वीडियो में मतलब आपको ये दिखलाना है कि वो बंदा फूड बनाता कैसे, वो डिश तैयार कैसे करता है, वो कितना पुराना है वहाँ पे, उसके पास कस्टमर आते हैं क्या कहते हैं। तो आप जाओ उसके पास, ये देख लाओ वीडियो में अपने कि वो बंदा उस डिश को कैसे तैयार करता है, वो कितने टाइम से है, वो कितने लंबे समय से वहाँ पे है, कितना पॉपुलर हो चुका है, कितने लोग उसके पास आते हैं, कैसा डिश बनाता है, क्या टेस्ट है उसका, क्या लोगों से राय लो, राय मशवरा लो लोगों से कि भाई वो उसकी डिश खाते हैं तो उनको कैसा लगता है, उस रेट में कैसा है, या इससे अच्छा भी कहीं पे है कि नहीं है, पूरी जानकारी लो। क्योंकि आप सिर्फ वीडियोस बनाओगे कुछ नहीं बोलोगे उसमें तो यार मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए पूरी जानकारी लो भाई, यही बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टार्टिंग में ब्लॉग बनाते हैं, फूड ब्लॉगिंग करते हैं, उनके पास यार इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बाहर जाके वो वीडियोज़ बना सकें, फूड ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग किसी भी टाइप की वीडियोज़ बाहर पब्लिक प्लेस में बना सकें। तो ये बहुत ही सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि वो ट्रिक कौन सी है जिसकी मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि यार आपके पास इतनी हिम्मत कैसे आएगी कि आप पब्लिक प्लेस में जाके बेझिझक वीडियोस बना सकते हो, कोई भी बंदा आपको देखे, कितने भी लोग आपको देखें कि ये बंदा क्या कर रहा है, आप उनको ध्यान नहीं दोगे, आप सिर्फ वीडियोस बनाओगे अपने मस्ती में। वो क्या है ट्रिक? ये ट्रिक है भाई, जाहिर सी बात आजकल क्या यार, हर किसी के पास एक या दो दोस्त तो ज़रूर होते हैं। आपके पास तो बहुत ज़्यादा होंगे, एक दो तो बहुत कम है, किसी के पास ही होते होंगे एक या दो, वैसे सभी के पास दोस्त होते हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ यार इतनी ज़्यादा हिम्मत आती है, आपको ही पता होगा, आपने भी मस्ती की होगी जिस प्लेस पे, जिस मॉल में, जिस जगह पे हमें मस्ती नहीं करनी चाहिए, उस जगह पे भी हम अगर दोस्तों के साथ हैं तो मस्ती हो ही जाती है। तो मेरे भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने दोस्त को लेके जाओ, वो भी खुशी खुशी जाएगा, उसको तो मज़ा आएगा यार वीडियोज़ बना रहे हो आप, तो वो आपके साथ जाएगा, आपको हिम्मत मिलेगी। और दोस्त साथ में हो तो आइडियाज़ अपने आप आते रहते हैं यार, सवाल जवाब अपने आप होता रहेगा,
किस टाइप के हम वीडियो बनाएं, क्या डालें उसमें कि लोगों को पसंद आए। तो दोस्तों को लेके जाओ, आपको नर्वस फील नहीं होगा, आपको हिम्मत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो नॉलेजबल लगी हो, आपको ये वीडियो से ज़रा भी नॉलेज मिला हो कि फूड व्लॉगिंग कैसे करते हैं। तो यार इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। अभी के लिए मैं चलता हूँ, टेक केयर।